आज घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, आलू भी नहीं था और प्याज भी नहीं था। क्या करूं, कैसे सब्जी बनाऊं? जब घर में कोई सब्जी ना हो तो बस दो ही आलू से आप ऐसा सब्जी बनाएं कि लोग वाह वाह करते रह जाए। तो दो ही आलू, कच्चे आलू से हम सब्जी बनाएंगे और इनका छिलका उतार करके पानी में हम ले लिए हैं। और वीडियो में शुरू से अंत तक देखते रहिए कि आखिर हम कच्चे दो आलू से हम कैसे सब्जी बनाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके घर में भी अगर आलू ना हो, दो एक जो भी हो, इसी से आप सब्जी बना लीजिएगा। घर में हस्बैंड जी लाए ना लाए, बच्चे लाए ना लाए, लेकिन सब्जी तो लाजवाब बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही आलू आज कच्चे आलू थे, ये नया वाला आलू है। तो हम छिलका उतार करके आज बोले हम भी कि कोई मत लाइए सब्जी, आज हमें भी जैसा मन करेगा वैसा सब्जी बनाएंगे, लेकिन टेस्टी और हेल्दी भी बनाएंगे। बोले ठीक है, बना के दिखाओ। हम बिल्कुल बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पे दो आलू का छिलका उतार करके हम ले लिए पानी में, ताकि ये काला ना हो जाए। यहाँ पे हम मिक्सी जार एक ले लिए हैं और इनको रफली कट करेंगे, मोटा मोटा, मतलब ज्यादा एकदम मोटा नहीं, थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे इनको, आलू को ऐसे एकदम रफली कट कीजिएगा। यही दो आलू से सब्जी हमें पूरा परिवार के लिए बनाना है। तो फ्रेंड्स, आलू कट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट भी तो कर लूं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और किस डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका एक कमेंट हमें दिल को बहुत भाता है, मनोबल बढ़ाता है। तो आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। चलिए, आलू को यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। दोनों आलू को कट कर लेंगे, सारे आलू तो बोल नहीं सकते क्योंकि आलू हमारे पास दो ही है। तो चलिए, दोनों आलू को कट कर लेते हैं। आलू को यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब थोड़ी स्वादिष्ट बने और थोड़ी तीखी बने, तो इसीलिए यहाँ पे हम 4 मिर्च हरा वाला ले लिए, हरा वाला लिए, आप भी हरा वाले लिए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इनको हम रफली इस तरह से कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ये 5 लहसुन के कलियां ले लिए हैं, आलू के अनुसार लिए हैं। अब क्या करना है, बगैर पानी के, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, यहाँ एक बूंद पानी आपको नहीं लेना है। बिना पानी के इन्हें पल्स मोड पर पीसना है, उसके बाद ही आप थोड़ा तेज कीजिएगा, लेकिन अभी पल्स मोड पर पीसना है। अब हम आलू को बिना पानी लिए हुए पीस लिए हैं, तो आप ज्यादा आलू मत लिए। अगर आलू घर में है तो ये मत समझिए कि 4-5 आलू ले लेते हैं, फिर आपको वीडियो में देखिएगा झेलना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आलू को बिना पानी लिए हुए पेस्ट बना लिए। हम क्या करेंगे, एक थाली में, थाली परात कुछ भी में पेस्ट इनका ले लीजिए, सबको ले लिए हैं। थोड़ी देर इनको साइड करते हैं। फटाफट से इसी मिक्सी जार में हम क्या करेंगे ना, देखिए 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी हमें रफली कट करना है। अब देखिए इस तरह से एकदम मोटे मोटे कट करके, इनमें भी पानी नहीं लेना है आपको, सारे टमाटर को हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे टमाटर को हम अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं बिना पानी के। अब देखिए, टमाटर का भी पेस्ट हमारा बहुत ही फाइन अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हम एक बॉल में ले लेते हैं इनको। हाँ, जब टमाटर पीस लिए हैं तो यहाँ पे हम लेंगे आलू के पेस्ट में, यहाँ पे अभी थोड़ा ही सा हम हल्दी पाउडर लेंगे। जहां जहां भी लेंगे ना, हम आपको बताएंगे। थोड़ा हम कुछ मसाला ले लेते हैं, बेसिक मसाला, जैसे थोड़ी सी, एकदम थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से लीजिएगा, 2-2 चुटकी जीरा पाउडर, 2 चुटकी लेंगे हम धनिया पाउडर। आपको एक बात बता दूं कि इस रेसिपी में अगर आपको लेना है मसाला तो लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा पूरी तरह से, लेकिन स्वाद आपको नहीं मिलेंगे। ये देखिए, मात्र 2 चुटकी से भी कम हम काली मिर्च पाउडर लिए हैं और यहाँ पे इनको ले लिए हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी हम गरम मसाला, बस थोड़ा सा, सारा मसाला ले लिए, और इसी में हम लेंगे नमक, मतलब यहाँ पे स्वाद अनुसार बोलेंगे तो स्वाद अनुसार नमक ले लिए। अब क्या करेंगे, इनमें हम लेंगे 1 कप पहले बेसन, लेकिन ध्यान रहे कि हम बेसन कैसे लेंगे, तो आधा कप पहले बेसन को हम इनमें ले लेते हैं, आधा कप रहने देते हैं। थोड़ा सा तेल लेंगे हम, मतलब ये रूखा ना रहे, आप चाहे तो देसी घी ले सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से जहां तक बेसन का सब्जी बना रहे तो तेल ही बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसन को पहले, आलू और पेस्ट को, बेसन को पहले डो लगा लेते हैं। तो इसीलिए हम बताए थे कि आप फेर में मत पड़िएगा कि बड़े बड़े आलू ले लिए 3-4 और हम अब बस, मैम तो बताए ही नहीं, मैम तो आपको बताए, आप ध्यान से वीडियो देखे ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आधा कप हम बेसन लिए हैं, फिर भी ये क्या बन गए हैं, पेस्ट। आप बोलिएगा ना, ये तो पेस्ट बन गए हैं। तो ये भी जो आधा कप है ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि 1.5 कप 2 कप बेसन आपका लग सकता है। तो पहले हम 1 कप बेसन को इस तरह से मिला लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कितना चम्मच इनमें और बेसन चाहिए हमें। देखिए, एकदम चिपचिपी सी है और ये बैटर है। चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी ले सकते हैं, जितना स्वाद बना सकते हैं बस बना लीजिए।
तो हम क्या किए है ना, यहाँ पे प्रेस करके नहीं लिए, मतलब दबा करके नहीं लिए, 1 कप बेसन फिर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बेसन लेंगे, आधा कप मिला मिला करके देखना है, एक साथ नहीं लेना है। ये बेसन को भी हम मिला लेते हैं, बाकी बेसन भी हम दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे आधा कप बेसन लिए थे, आधा कप और है, इनको भी ले लेते हैं। हमने टोटल 2 कप बेसन हमारा इनमें लगे हैं। अब इनको अच्छे से हम डो तैयार कर लेते हैं, अब ये डो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे टोटल 2 कप बेसन में, आप अगर बड़ा आलू लेंगी ना तो हो सकता है 3-4 कप बेसन लग जाए, इसीलिए हम आपको बोले दो छोटे छोटे आलू लीजिएगा। है तो इसका मतलब नहीं कि आप 3-4 लीजिएगा तो आप फिर फंस जाएंगी। तो अब आप चाहेंगे कि इनका डो एकदम हमारा चिकना बन जाए, जुट जाए बेसन, तो एक बिना हाथ साफ किए हुए कभी नहीं जुटेंगे, भगवान जी भी गरज रहे। तो यहाँ पे देखिए इनको साफ करना जरूरी है, तभी हम थाली को भी और बेसन को भी जोड़ पाएंगे। इनको साफ कर लेते हैं, यहाँ पे हाथ को हम अच्छे से धो लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको मतलब और जोड़ने के लिए 2 से 3 बूंद तेल लेंगे इनपे, बस ज्यादा नहीं, इतना ही तेल लेंगे। और इनको अच्छे से जोड़ लेते हैं, मतलब अच्छे से गुथ लेते हैं थोड़ा। देखिए कितना बढ़िया से ये गुथा रहा है, एकदम डो तैयार हो रहा है, देख रहे हैं ना। इसी तरह से अच्छे से हम इनको गुथ लेते हैं। तो देखिए एकदम आटा की डो की तरह एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गए हैं। अब आगे का शुरुआत करते हैं इनका। तो अब इनको थोड़ी सी साइड करके ले लेते हैं, यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड, चकला चॉपिंग बोर्ड या किचन स्लेप पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेंगे 2 से 3 बूंद तेल, और तेल को क्या करना, अच्छे से हर जगह फैला देना है। अब इसी हाथ में जो तेल थे ना, बेलन में भी लगा लिए। हम क्या करेंगे कि बेसन के जो डो हम तैयार किए हैं, इनमें से आधा तोड़ लेते हैं। आधा ही तोड़िएगा, पूरा मत बेलिएगा। क्यों नहीं बेलिएगा ये भी हम अभी इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा इनको इस तरह से कर ले ताकि बेलने में आसानी हो, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते। थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इस पे भी तेल लगाएंगे ताकि अच्छे से ये चिपके ना, बेल जाए। अब हमें क्या करना, एक पतली सी रोटी चाहिए, तो हम इनको उठा उठा करके इस तरह से बेल लेते हैं। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना बढ़िया आपका रेसिपी बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बेल लेते हैं इनको। तो देखिए जितना पतला हो सके उतना पतला आप बेल सकते हैं, कोई बात नहीं, इंडिया का मैप भी बन जाते हैं तो भी ये रेसिपी में चलेंगे। तो घबराइए मत, टेढ़े मेढ़े सब तरह से रेसिपी। अब हमें इनका थिकनेस देखना है, तो थिकनेस देखिए इतना है ना, तो किनारा हमेशा रोटी पराठा किसी का भी मोटा होते हैं। हमें क्या करना है, एक अच्छा सा चौकोर रेसिपी चाहिए, तो हम यहाँ से कट करेंगे इनको, इस तरह से कट कर लेंगे ताकि अच्छा सा एक हमें बेसिक मिल जाए। तो बस यहाँ से इनको भी कट करेंगे और सबको उठा लेंगे। देखिए ये देखिए सबको हम ले लेते हैं, ध्यान से वीडियो देखिए। एक चौकोर सा हमें अच्छा सा एक रोटी मिल गया है। हम क्या करेंगे, 1-1 इंच का यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे, एकदम सेम उसी तरह से। देखिए ज्यादा चौड़ा कीजिएगा ना, फिर हमें जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें मतलब मजा ही नहीं आएगा। तो चलिए इनको हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से हम कट कर लिए हैं, बोलिए अब बताइए आप क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल हम क्या करने वाले हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पनीर में हम मसाला लेकर के पनीर तैयार कर लिए हैं। इतना सारा नहीं, आपको 100 ग्राम 200 ग्राम पनीर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ से आप पनीर हाथों से ले, इस तरह से हाथों से ले, थोड़ा थोड़ा इस तरह से, और ऐसे लंबे लंबे फैला लें। एक नंबर का रेसिपी आप नहीं खाए होंगे फ्रेंड्स इस तरह से। तो इस तरह से आप रेसिपी बनाइए और देखिए पूरा वीडियो, फिर बनाइएगा खाइएगा। तो चलिए इनका एक टाइट सा रोल बना ले रहे हैं, बहुत आसान तरीके से रोल बन जाएंगे, देख रहे हैं। देखिए हम आपको हटा हटा करके हाथ दिखा रहे हैं, तो देखिए इस तरह से दबाते हुए इनसे क्या हो कि हमारा बेसन का जो रोल है सख्त नहीं बनेंगे, मतलब सॉफ्ट रहेंगे। एक तो इनमें हम तेल ले चुके हैं, आपको घी पसंद है तो घी लीजिएगा, और इनको थोड़ा बीच में यहाँ पे इस तरह से दबा दे, देखिए कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे रोल कर दे। देखिए देखिए कितना बढ़िया से रोल बन गया है ना, वाह क्या बात है। देखिए तो इसी तरह से हम इनको भी बना लेंगे और एक थाली में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे रोल हमारा बनकर तैयार हो गए हैं, देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, वाओ। तो इसी तरह से आपको बनाना है 2 आलू से। तो यहाँ पे इनको तो बना लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम कटोरी ले लेंगे, कोई भी कटोरा कटोरी ले लेते हैं यहाँ पे, और इनमें हम लेंगे आधा छोटा चम्मच ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं, तो हम 1 छोटा चम्मच ले ले रहे हैं कसूरी मेथी। इनको तावा पर रोस्ट करके और हम पीस लिए हैं, मिक्सी में पीस लिए हैं, बहुत मोटे थे तो ये ले लिए। और यहाँ पे हम लेंगे इसी में आधा छोटा चम्मच, यहीं पे ले लेंगे हम गरम मसाला। गरम मसाला की जगह अब क्या करना है आपको, लेना है
यहाँ पे 2 चम्मच ले लें, 3 चम्मच ले लें दही, तो हम यहाँ पे 3 चम्मच दही ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको अच्छे से फेंट लेते हैं, यहाँ पे सबको मिला लेते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे सभी को गरम मसाला, कसूरी मेथी, दही को अच्छे से हम पेस्ट बना लिए हैं। अब चलिए गैस के पास, गैस ऑन करके ले लिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम लेंगे तेल, तेल करीब लेंगे यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच के लगभग तेल ले लेंगे इनमें आराम से। अब क्या करेंगे कि आप चाहे तो इस जगह पे आप जीरा ले सकते हैं, सिर्फ साबुत जीरा ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें भाई एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्टी सब्जी बनाना है, तो यहाँ पे हम आधा छोटा चम्मच लिए हैं 5 फोरन। ये हमारा घर का बना हुआ है 5 फोरन, किसी दिन बोलिएगा आप लोग ना तो हम आपको 5 फोरन बना करके दिखाएंगे। चलिए इनको ले लेते हैं तेल में, ले लेते हैं 5 फोरन, देखिए। और 5 फोरन के जगह पर यहाँ पे मतलब फूले ही लिए हैं, यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी सी हम तेज पत्ता ले ले रहे हैं, तेज पत्ता भी बहुत ही स्वाद इनमें आते हैं, थोड़ा सा चटकने देते हैं। इसी में ले लेंगे हम 2 चुटकी हींग, हींग लीजिएगा जरूर। सारे चीज यहाँ पे अच्छे से तरक गए हैं तो ले लेंगे प्याज। प्याज का एक टिप्स बताएंगे, एकदम फाइन चॉप कीजिएगा, और नहीं तो चॉपर में चॉप कर लिया, लेकिन हाथ का जो चॉप होगा ना, आहा क्या स्वाद बनते हैं। तो हम ले लेते हैं प्याज। अब प्याज ले लिए हैं, इन्हीं पे ले लेते हैं लहसुन ग्रेट करके लिए, चाहे तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। ये टोटल आधा छोटा चम्मच है, आधा छोटा चम्मच ले लेंगे हम अदरक, अदरक लहसुन ग्रेट करके हम लिए हैं। और हाँ, जब तक ये भून रहे हैं अदरक लहसुन प्याज, तब तक हम मसाला का इनका मतलब तैयारी कर लेते हैं, डायरेक्ट हम ड्राई मसाला इनमें नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ले लिए हैं, पानी में लेंगे आधा छोटा चम्मच है करीब हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लेंगे भर के हम धनिया पाउडर, और 1 ही चम्मच लेंगे हम यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होते हैं। अब हम लेंगे कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा छोटा चम्मच के करीब हम लेंगे काली मिर्च पाउडर, और भुना हुआ जीरा पाउडर हम लेंगे 1 चम्मच। सारे मसाला को हम ले लिए, इनको अब मिला लेते हैं। सभी मसाला को हम अच्छे से घोल में मिला लेते हैं। यहाँ पे इतना मसाला इनके लिए काफी पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ पे चलिए इनको हम घोल तैयार कर लिए। अब हम प्याज जो रोस्ट कर रहे हैं उनको देख लेते हैं, तो हल्का सा ब्राउन हुए हैं। अब इसी समय में क्या करेंगे कि 3 सूखा लाल मिर्च लेंगे, क्योंकि इनका कलर नहीं जाएगा, नहीं तो तेल में जाते ना तो जल जाते, तो थोड़ा सा इनको हम और भून लेते हैं, मतलब 1-2 मिनट प्याज को और हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसी में लेंगे हम टमाटर वाला जो पेस्ट बनाए थे ना, इनको भी ले लेते हैं। टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है बिना कोई पानी डाले। टमाटर जब यूज किए हैं तो नमक तो यहाँ लेना लाजमी बनता है, नमक भी ले लेते हैं स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक लीजिएगा, क्योंकि हम बेसन में भी नमक लिए हैं। और इनको अच्छे से भुनाई कर लेना है एकदम बढ़िया से, तो आप देख सकते हैं कि टमाटर कितना बढ़िया से भुनाई हो गया है, प्याज टमाटर सभी को भुनाई हो गया है। अब मसाला में टिप्स बताएं, अगर सूखा मसाला लेते तो मसाला जल जाते, तो इसीलिए हम यहाँ पे पानी डाल करके लिए हैं। अब हम मसाला ले लेते हैं इनको, अब यहाँ मसाला को भुनाई करना है, लेकिन कैसे करना है, अब मसाला पूरी तरह से जल ना जाए तो बस थोड़ी सी पानी लेना है यहाँ पे, पहले थोड़ा सा लीजिएगा 1-2 चम्मच पानी, और हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से भून लें, फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है आपको। इनको ढक करके अभी थोड़ी देर 2 मिनट पकने दें। अब 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से मसाला यहाँ भून गए हैं, देख रहे हैं। बस अब क्या करना है यहाँ पे कि इस जगह पे मतलब इस स्टेज पे आपको ले लेना है पानी, तो यहाँ पे 1 कप पानी, और हम लेंगे यहाँ पर पानी करीब करीब थोड़ा सा कम है, जो ग्रेवी में लिए थे ना, नहीं टोटल 2 कप पानी, यहाँ पे पानी ले लिए हैं। और गैस को करेंगे मीडियम, और आगे दिखाते हैं आपको कैसे करना है, मतलब 2 कार्य 1 पंथ करना है हमें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको ले लेंगे छन्नी को, और छन्नी में हमें क्या करना है, ये जितना रोल भी है ना सबको आप इस तरह से ले, या खड़ा खड़ा ले, लेकिन हम गिरा गिरा करके ले रहे, सबको इस तरह से ले लेंगे। अब हम इनको करीब 5 मिनट के लिए ढक देते हैं मीडियम गैस पे। 5 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं इनको 5 मिनट बाद, क्या बात है, एकदम देखिए इनका भाप जब हटते हैं ना, हम सबको क्या करेंगे कि बाहर ले लेते हैं थाली में, इस तरह से सबको ले लेंगे, सबको ले लिए है। आपको एक कट करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे एक टिप्स बता रहे हैं, जिनको तेल में फ्राई किया हुआ नहीं पसंद है तो बिल्कुल तेल में फ्राई करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से सीधे आप ग्रेवी में ले सकते हैं, तो हम एक कट करके दिखाने के लिए बोले थे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम कट करेंगे, आपको दिखाएंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं, देख रहे कितना बढ़िया स्टफिंग हुआ है ना,
वाह, तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे राय है कि मम्मी थोड़ा फ्राई कर दोगी तो और टेस्टी लगेगा, तो हम चलिए थोड़ा फ्राई कर देते हैं इनको। यहाँ पे मसाला का हाल हम देख लेते हैं, ये मसाला भून रहे हैं, दूसरे वाले मतलब चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं कोई भी कढ़ाई पैन तेल फ्राई करने के लिए, और दूसरे कढ़ाई पे हम ग्रेवी को यहाँ पकने देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गए। हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम अपना रोल ले लेते हैं, बेसन रोल तो सारे आ गए हैं। हम सोचे कि कम ही आएंगे, आधा आएंगे, लेकिन यहाँ पे सारे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उलट पुलट के इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से क्या हुआ कि आपको सौंधी सौंधी स्वाद लगेगा, और जिन्हें तेल ना पसंद है वो बिना फ्राई किए हुए स्टीम करके और इस तरह से सब्जी बना लेंगे। तो चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से फ्राई हो गए, एकदम मतलब डीप फ्राई नहीं करना है हमें, बस थोड़ी थोड़ी सी फ्राई करना है, हल्का हल्का फ्राई करने से क्या होगा कि ये थोड़े खाने में सॉफ्ट और सौंधी सौंधी लगेंगे। यदि बिना फ्राई किए स्टीम करके डालते हैं तो रूखा रूखा से लगेगा, उतना टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए बच्चे का कहना भी सही है। तो हम तेल से बाहर निकालते हैं इनको इस तरह से, एकदम क्रिस्पी करारी हमको नहीं करना है, सबको तेल से बाहर ले लेते हैं। सभी को तेल से बाहर ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी गैस पे हम उस कढ़ाई को ले आते हैं। चलिए अब इनको ले आए, अब क्या करना है इनको, बस इनका लेड हटा दे। लेड हटाने के बाद मसाला को देख लेते हैं, तो कितना बढ़िया से मसाला यहाँ भून गए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें जो दही और गरम मसाला कसूरी मेथी लिए थे ना, सबको हम ले लेते हैं यहाँ। अब दही सबको अच्छे से भुनना है, दही बहुत जल्दी भुन जाते हैं और इनमें से रोगन छूटने लगते हैं, रोगन मतलब तेल अच्छे से छूटने लगते हैं। बस इनको 2 मिनट चलाते हुए अच्छे से पकाना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप तेल यहाँ पे मतलब रोगन कितना बढ़िया से छूटे हैं, दही भी कितना अच्छे से भून गए हैं। तो अब हमको क्या करना है कि जो रोल हम बनाए थे और फ्राई किए हैं उस रोल को इसमें ले लेना है। देखिए इस तरह से आराम से ले लेना है। अब लेने के बाद क्या करना है कि सभी मसाला में इनको पहले कोट कर दे, फिर आगे बताते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे सारे मसाला में हम कोट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें लेंगे पानी, क्योंकि बेसन पानी पीते हैं, तो लगभग हम 2 कप पानी यहाँ पे लेंगे। ज्यादा पानी मत लीजिएगा, ये पानी और ग्रेवी हमारा अच्छे से बराबर हो जाएंगे। इनको 3 से 4 मिनट ढक के पकने देते हैं। अब 3 से 4 मिनट इन्हें ढक के अच्छे से पकने दे यहाँ पे। 4 मिनट बाद देख लेते हैं, वाह क्या बात है सब्जी के, देख रहे हैं यहाँ पे कितने खिले खिले लग रहे हैं। तो ये सब्जी हमारा एकदम तैयार हो गया है और ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम आपको थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल करके दिखा दे रहे हूँ, वाह क्या बात है। तो चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो हमारी कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।